कल वाला सबको उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। मैं कुछ लिखा हूं कि ये एक दो तीन कमांड आपको बता दूं, ठीक है, ये दो तीन कमांड, एक दो कमांड आपको बता दूं सोच रहा हूं, ठीक है। तो बाकी इतना जो कमांड्स है, ठीक, ये सब कमांड आप जो है प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। कुछ दिक्कत आता है तो पूछ लिया करना, ठीक है, पड़ोसी से पूछ लिया करना, पड़ोसी ना बता पाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं भी ना बता पाऊँ तो गूगल से पूछ लूँगा, कहीं से भी पूछ लूँगा, किधरों से बता दूंगा, ठीक। चलिए जी, मैं सुबह आपको बोल रहा था कि जी 16 GB का पेन ड्राइव है तो बन जाता है, पता नहीं कितना GB, ठीक है, 4 GB बन जाता है, ठीक है। ये मेरा पेन ड्राइव है, मैं इसको पहले फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा पेन ड्राइव जो है फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इसमें, फिर आ जाऊंगा सॉफ्टवेयर में, या फिर ये सेंट ओएस है, ठीक है, ये है 4.5 GB का फाइल, ठीक है। राइट क्लिक किया, पावर आईएसओ, ठीक है, ओपन विथ पावर आईएसओ, ठीक है। कंटिन्यू, रजिस्टर मेरा है नहीं, मैं नहीं चाहता पैसा देके खरीदूं, हम भारत वाले हैं, पैसा से कुछ खरीदते नहीं, मुफ्त का चीज लेते हैं। 28 GB दिख रहा है, मतलब ये 32 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, USB जो पेन ड्राइव होता है उसको बूटेबल बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को पहले मैं पावर आईएसओ से ओपन कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आके बोल दूंगा क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, ठीक है। ये बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर मोड में मैं ओपन करूंगा, मैं ओपन कर दूंगा इसको, ठीक है। फिर से ये चालू हुआ है अभी, ठीक है। तो बूटेबल कैसे बनता है पेन ड्राइव वो देख लो, ऐसे ही बूटेबल बनता है, ठीक है। मेथड तो और भी होते हैं बूटेबल बनाने के, लेकिन मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। नहीं हिला रहा हूँ मैं, पैर नीचे रखा हूँ अपना, मैं जब हाथ लैपटॉप पे रखता हूँ तब हिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये रॉ मेथड है अभी, ठीक है, रॉ में राइट कर देगा तो क्या होगा, जो पेन ड्राइव का साइज है 32 GB का, वो उसका साइज कम होकर के कितना हो जाएगा, जितने साइज का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। अगर राइट में कर दूंगा USB HDD से तो क्या होगा, सिर्फ राइट कर देगा फाइल, ये पेन ड्राइव का कैपेसिटी कम नहीं करेगा, ठीक। मैं कर दूंगा रॉ फॉर्मेट में राइट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, ये बोल रहा है मैं देख ले सब, मैं डिलीट कर दूंगा जितना USB पेन ड्राइव में है, मैं बोल रहा हूँ कर देना, डरता हूँ क्या, ये करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तब तक हम लोग डॉस का अपना कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाता हूं यहां पे, ठीक है, DRI का कुछ स्विचेस हैं, ठीक है, या फ्लैग कह लो, जो कह लो आप, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं कि खोलता हूं अपना कमांड, ये लीजिए खुल गया मेरा कमांड, ठीक है, DIR करके एंटर मारा, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, CLS करूँगा ये आ जाएगा, फिर मैं करूँगा DIR स्पेस WS, ठीक, एंटर मारा तो क्या बोल रहा है ये, DIR स्पेस WS अगर हम देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम का इन ड्राइव सी इन Win7, ठीक। ये Win7 क्या दिखा रहा है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, Win7 दिखा रहा है इसको लेबल, ठीक, नाम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका, बोल रहे वॉल्यूम सीरियल नंबर ये है, ठीक है, ये डायरेक्टरी कहाँ पे है, ठीक है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, इसके अंदर हम लोग हैं अभी, ठीक। फाइल बोल रहा है नॉट फाउंड, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद है DIR/P, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं क्या काम करता हूँ कि CDACM, अच्छा है नहीं, MD करूँगा, MD से फोल्डर बनेगा, ठीक है, बना लिया, फिर CDACM एंटर किया, नहीं 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 CDACM एंटर किया, ठीक है, CLS करके स्क्रीन क्लियर किया, इसके अंदर मैं आ गया, ठीक है। माई कंप्यूटर खोलूँगा, इस पे जाऊँगा, यूज़र पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा,
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना दिया, इसको कॉपी किया, फिर पेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। इतना सारा मैं कर दिया कॉपी करके पेस्ट, ठीक ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से कंट्रोल वी बटन दबाऊंगा और इतना सारा हैंग मत होना भाई, ये देख लीजिए इतना सारा मैं 380 फोल्डर बना के रेडी कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे करूंगा dir, ठीक, ये तो नॉन स्टॉप चलने लगा। ट्री कमांड मार के देखूं क्या एक बार, ये देख लीजिए, ठीक, dir दबाया मैं तो क्या हुआ, नॉन स्टॉप चलने लगा, ठीक। अब मैं क्या करूं कि इसको ऊपर ले जाऊं, ऐसे 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 मैं देखूंगा फोल्डर, मजा नहीं आ रहा है, इसके बाद तो मेरे को दिखना ही बंद हो गया फोल्डर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि cls करके एंटर मारूंगा, ठीक है, फिर dir करूंगा, फिर करूंगा स्लैश p, ठीक। अब एंटर मारूंगा तो क्या होगा, इससे ये होता है, स्लैश p से ये होता है कि पेज बाई पेज हमें दिखाने लगता है, ठीक है। इस इतना ज्यादा फोल्डर हो जाए, फाइल हो जाए कि ये इतना स्क्रीन में नहीं आएगा, ठीक, तो क्या करता है, पेज बाई पेज हमें फोल्डर दिखाना शुरू कर देता है, ठीक। इतने को मैं देखा, फिर बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, मैंने प्रेस किया तो फिर दूसरा पेज में इतना फोल्डर दिखाया, फिर एंटर मारा तो इतने पेज में दिखा रहा है, फिर एंटर मारा तो फिर ये दिखा रहा है अगले पेज में, ठीक है। तो पेज बाई पेज ये देखिए दिखा रहा है, ठीक है। मैं उब गया एंटर कर करके, मैं कर दूंगा कंट्रोल सी, तो ये जो है टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो dir slash p का मतलब आप लोग समझ गए, समझ गए ना, नहीं समझ में आया चुपचाप। chdir इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब जो है सो मैं आपके सामने बता देता हूं। cd कमांड से एक डायरेक्टरी में पीछे आया, फिर क्या किया, cd नहीं 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 क्या था कमांड, मैं भूल गया, chdir ना, chdir, ठीक, स्पेस दबाया, फिर क्या करूंगा मैं acm, एंटर मारा तो डायरेक्टरी चेंज करके इसमें आ गया। मतलब ये क्या करता है, cd का ही ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक, cd कमांड का दूसरा स्वरूप ये है, ठीक। chdir डबल डॉट एंटर मारा तो एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या है, वोल कमांड, वॉल्यूम कमांड, इससे क्या होता है आप ही देख लो जी, ठीक। एक कमांड को मारा तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम का नाम बता दिया, लेबल बता दिया, सीरियल नंबर बता दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऐसे करूंगा तो ये नहीं काम कर रहा है, लिस्ट वॉल ये इसमें नहीं काम कर रहा है, मैं डिस्पार्ट वगैरह चलाऊंगा तो काम करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कमांड क्या करता है, बता देता है, ठीक है। उसके बाद है सी एच के डी एस के, एक कमांड क्या करता है जी, चेक करता है डिक्स को, ठीक, फ्री स्पेस कितना है, बाकी एरर तो नहीं है पार्टीशंस वगैरह में, सी एच के डी एस के, ठीक, एंटर मारा, एक क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाइड, सफिशिएंट प्रिविलेज हैव इन वो, पता नहीं क्या क्या, एंटर मारा, बंद कर दिया, सी एम डी, यहाँ पे आया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, पावर इसको दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया सी एच के डी एस के। एरर्स वगैरह को भी ये हैंडल करता है, चेक वेक करता है, ठीक है। बोल रहा है ये कि द फाइल टाइप ऑफ फाइल सिस्टम इज एन टी एफ एस है, फाइल सिस्टम वॉल्यूम का नाम है विन सेवन, एफ पैरामीटर नॉट सफिशियंट, रन सी एच के डी एस के, रीड ओनली मोड में रन हुआ है, स्टेप वन। ये डिस्क को पूरा चेक करता है ये, ठीक है, पूरे फाइल को चेक करेगा, बैड पार्टीशंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सी एच के डी एस के का मतलब यह है कि डिस्क को ये पूरा चेक करेगा, राइट, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके और स्विचेस वगैरह भी शायद हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो स्विचेस वगैरह आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, मन करेगा तो मुझसे प्राइवेटली पूछ लोगे, पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ठीक। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी से टर्मिनेट सी एल एस, ठीक है। हमारा ये बना क्या, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद क्या है, पार्टीशंस वगैरह में कुछ गड़बड़ होता है तो भी चलाते हैं सी एच के डी एस के वगैरह देखने के लिए। अगला है आपका लेबल कमांड, लेबल शायद काम करे इसमें अभी, ये देखिए लेबल नहीं काम कर रहा है, जब काम करेगा तो मैं आपको बता दूंगा कब काम करेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा। उसके बाद है फॉर्मेट, फॉर्मेट कमांड चला दूंगा तो भी अभी
अरे मत हो जा, चलो बच गया, ठीक है। कुछ दूसरा, कुछ पेन ड्राइव नहीं है क्या मेरे पास? चलिए फॉर्मेट को मैं बाद में बता देता हूँ आपको, ठीक है। पैरामीटर फॉर्मेट से फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है। उसके बाद कमांड है आपका कॉपी एक्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि राइट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरे पेन ड्राइव का हालत क्या हुआ है आप देख लीजिए। चल भाई रिफ्रेश हो थोड़ा सा, फिर से पेन ड्राइव को दिखा भाई, खराब तो नहीं हो गया? चूना लग जाएगा मुझे। मैं लगा के दोबारा अपना पेन ड्राइव निकाल के फिर से लगाया, ठीक है। क्या मजाक है, ऐसा मजाक तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मजा नहीं आया मेरे को। ये तो कितना एमबी हो गया यार, 8 MB का हो गया ये, ठीक। कहाँ 28 GB का, कहाँ 8 MB का। मेरे ISO में शायद कुछ थे प्रॉब्लम, ठीक है। तो बूटेबल पेन ड्राइव आपको बनाना है ना, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। बस जहाँ पे मैं रॉ सेलेक्ट किया था वहाँ पे USB HDD वगैरह आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। DOS के थ्रू ही फॉर्मेट करूँ क्या? हे ऊपर वाले, मेरे पेन ड्राइव का रक्षा करना। बोल रहा है नेम इंसर्ट एंटर, फॉर्मेट करना शुरू कर दिया ये। लेवल बोल रहा है कि कुछ नाम देना चाहते हैं, ACMANT कंप्लीट। ईच फैट एंट्री वॉल्यूम सीरीज ये VR वाइट अनियन एलोकेटेड, ठीक है, हो गया, ठीक है जी। फॉर्मेट तो हो गया। मैं जाता हूँ कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? अरे पता ही नहीं चला, अब कौन है दिमाग खराब। मैं हेलो, फोन नहीं उठाया क्या? हेलो हेलो, मेरे पास आवाज नहीं आ रहा, मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। ये प्रोजेक्टर के कारण जो है मेरा स्क्रीन कम, इसको समझता नहीं है क्या? हेलो, मैं बाद में बात करूंगा, अभी क्लासरूम। ये 8 MB का देखो हो गया था, ठीक है। ये अनएलोकेटेड बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जाऊंगा तो न्यू भी नहीं बन सकता, ठीक है। मेरा पेन ड्राइव का हो गया सत्यानाश, अब हम क्या करें, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। फॉर्मेट नॉट स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। अब ये पेन ड्राइव तो गया मेरा, इसको बनाऊं अब मैं कैसे, बड़ा मुश्किल है। पेन ड्राइव को निकाला, ठीक है, पेन ड्राइव को फिर से अब मैं डाल रहा हूँ इसमें। एक कंप्यूटर को जो मैं मैनेज करके ओपन किया था, इसको ये 8 MB का देखो बन गया है, ठीक है। फॉर्मेट में DOS के जरिए किया था, तो फॉर्मेट कमांड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट से फॉर्मेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये पेन ड्राइव का कैपेसिटी कितना हो गया है, ये 8 MB का बन गया है, बहुत दुख का बात है। नहीं, उतना तो मैं नहीं कर सकता जी, मेरे में उतना क्षमताएं नहीं है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि पूरा मेरे को वापस चाहिए जितना मेरा साइज का था, ठीक है। मैं CLS करके एंटर करूंगा, ध्यान से देखना, कमांड दूंगा मैं सबसे पहले DISKPRT डिस्क पार्ट, स्पेलिंग गलत कर दिया मैं, PART एंटर, ठीक। डिस्क पार्ट मेरा ओपन हो गया, ये देखिए आ गया ना। अब मैं क्या काम करूंगा, LIST लिस्ट वॉल्यूम, ठीक। लिस्ट वॉल्यूम किया तो आ गया, ठीक है। लिस्ट वॉल्यूम से क्या होता है, सारा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। LIST लिस्ट DISK लिस्ट डिस्क से भी दो ठो डिस्क है मेरा, एक ऊपर वाला हार्ड डिस्क है और नीचे वाला जो वन है ये मेरा पेन ड्राइव शो कर रहा है। मेरे से गलती से ये सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि सिलेक्ट हो जाए वो,
ओ ये काम यहाँ पे CLS नहीं करेगा, ठीक है। मैं फिर से कमांड मारता हूँ लिस्ट वॉल्यूम वाला, ठीक है, आ गया यहाँ पे वॉल्यूम मेरा शो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को सिलेक्ट करना है पांचवा वाला, मेरा यही है मेरा पेन ड्राइव, ठीक है, सिलेक्ट वॉल्यूम, ठीक है, और स्पेस करके दे दूंगा पांच, ठीक है। सिलेक्ट वॉल्यूम कमांड से क्या होता है, जो वॉल्यूम मतलब जो डिस्क को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिलेक्ट वॉल्यूम किया और लिख दिया यहाँ पे पांच, ठीक, एंटर मारा तो ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम 5 इज सिलेक्टेड वॉल्यूम, ठीक, मतलब मेरा वॉल्यूम जो 5 था वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक। अगला कमांड क्या करूंगा, CLEAN क्लीन, ठीक है, क्लीन कमांड दे करके मैं कर दूंगा एंटर। ये बोल रहा है डिस्क पार्ट सीड क्लीन ऑन डिस्क, ठीक, मैं करूंगा अभी इसको कैंसल, ठीक, कैंसल मैं कर दिया। फॉर्मेट के लिए पूछ रहा था, फॉर्मेट जैसे ही करता तो हो जाता जो है, ठीक है, तो क्लीन जैसे ही किया, ठीक है, तो ये जो है क्लीन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है मेरा, अभी ये नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहूं तो माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज पे जाऊंगा, ठीक है, मैं इस पे आ जाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, खोलना जल्दी, यहां पे राइट क्लिक करके न्यू करके मैं बना सकता हूं अभी, ठीक, तो न्यू करके ही मैं बना लेता हूं यहां से, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट 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 फिनिश कर दिया, ये बन गया मेरा फिर से 28 GB वाला पेन ड्राइव, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लोगे, ठीक है। डॉस के जरिए फॉर्मेट कैसे किया जाता है वो तो आप सीख ही गए होंगे, अब तक नहीं सीखे, सीख गए ना, चलो मेरा पेन ड्राइव दोबारा से बन गया है ठीक ठाक, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट कमांड मारूं तो ये फिर फॉर्मेट करेगा, ठीक है। अब ये 0% बोल रहा है कंप्लीटेड, ठीक है, नहीं भाई मत कर, इतना मेरे पास समय नहीं है। अब मैं कंट्रोल सी करके टर्मिनेट करूंगा तो मेरा पेन ड्राइव को करप्ट कर देगा, ठीक, कर देगा तो कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैं कहा करप्ट कर देगा, सच में करप्ट कर दिया यार, मजा नहीं आया, ठीक है, ऐसा आप लोग मत करना, पेन ड्राइव का सत्यानाश हो सकता है, इनसफिशियंट ऑपरेशन ना, नहीं चल रहा है अभी। अब मैं इसको फिर से दोबारा कैसे बनाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मुझे कंट्रोल सी करके टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था। डिस्क मैनेजमेंट इतना लंबा आप नहीं खोलना चाहते तो राइट विंडोज आर दबाइए, फिर लिखिए DISK MGMT R, ठीक, एंटर मारिए तो नहीं खुलेगा ना, .msc मैनेजमेंट .msc एंटर किया, अब डिस्क मैनेजमेंट मेरा खुल जाएगा, ठीक है, खुल जा जल्दी भाई, इतना समय मत लो, मेरे पास समय नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, ये समय ले रहा है अब मेरे से, ठीक है। ये देखिए ये इंटरनली फॉर्मेटिंग चलिए रहा है, मैं टर्मिनेट कर दिया था डॉस से, लेकिन ये इंटरनली कर रहा है फॉर्मेट अभी, ठीक है, 3%, ये बहुत स्लो फॉर्मेट करता है। मैं यहाँ से कैंसल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मैंने कैंसल फॉर्मेट पे क्लिक तो किया पर ये समय ले रहा है अभी, बस पेन ड्राइव साफ मत हो जाए, छोड़ देता हूँ इसको अपने हालत में, ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो कह देगा अब मैं ख़राब हो गया और मुझे मज़ा नहीं आएगा ऐसा बोल देगा तो, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, समझ में आ गया ना, हार्ड डिस्क वगैरह में पार्टीशंस वगैरह जब गड़बड़ हो जाते हैं, बैड पार्टीशंस वगैरह बताने लगते हैं तो क्लीन किया जाता है, ठीक। तो आप लोग समझ गए क्लीन का क्या मतलब है, समझ गए ना, नहीं समझे, DISK PART इंटर लेबल, एंटर लेबल नहीं चलेगा, छोड़िए देख लेंगे इसको बाद में, अभी मैं मूड में नहीं हूँ कि इसको बताऊँ। मैं आपको कॉपी बताता हूँ, ठीक है, ये वाला कॉपी X, ठीक, ये 5% बहुत टाइम ले रहा है, कैंसल फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ पर ये हो ही नहीं रहा है,
ठीक है मत हुए नहीं होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। विंडोज आर सीएमडी एंटर, ठीक है। कॉपी एक्स कमांड से होता क्या है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। सबसे पहले कॉपी एक्स कमांड फाइल को और फाइल के सारे फाइल को कॉपी कर देता है एक जगह से दूसरे जगह, या फिर उस फोल्डर में जितने सब फोल्डर होंगे सबको कॉपी कर देगा दूसरे में, ठीक। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे मैं आऊंगा, ठीक है, यहां पे मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा इसमें, ठीक, यहां पे मैं आऊंगा और यहां पे पेस्ट करना चाह रहा हूं, किसको, इस वाले सॉफ्टवेयर को, कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है, और यहां पे आके कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। ये पेस्ट हो गया सीधा, ऐसे पेस्ट होगा तो मजा नहीं आएगा यार, देखता हूं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, चलिए छोड़िए उसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, कोई और बड़ा फाइल मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो एक्स कॉपी स्पेस दबाया मैं, ठीक है, पहले मैं डेस्कटॉप पे जा लेता हूं, डेस्कटॉप, ठीक है, सीडी करूंगा तबे पहुंचूंगा, ये आ गया। अब ये वाला फाइल है ना, एक्स कॉपी स्पेस एम ए लिख के टैब मारा तो ये लिखा आ गया यहां पे ऐसे, ठीक है, स्पेस दबाऊंगा अब मैं, मुझे पेस्ट कहां पे करना है, इस वाले में, ठीक, ई ड्राइव में मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं ई लिखूंगा ऐसे। क्या मुझे किसी फोल्डर में पेस्ट करना है, अगर हाँ तो ए दूंगा और लिख दूंगा एस ई एम नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दो, ठीक। अब मैं कर देता हूं एंटर, क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि जो ये एस ई एम नाम दिए हुए ये क्या है, ये फाइल है फोल्डर है, तो अगर फाइल है तो एफ दबाओ, डी डायरेक्टरी है माने फोल्डर है तो डी दबाओ, मैं कहता हूं ये डायरेक्टरी है, डी दबाया, ये क्या बोल रहा है, जीरो फाइल कॉपिंग, जीरो फाइल क्यों कॉपिंग, इसका कारण क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। फिर से मैं आता हूं यहां पे, सीडी करता हूं, एम ए करके टैब मारता हूं, आ गया इसके अंदर। अब मैं कहां हूं बता रहा हूं कहां हूं, अब मैं यहां पे हूं, ठीक, ठीक है, एक ही नाम से दो फोल्डर है, ठीक, मैं अब हूं यहां पे, ठीक है। डी आई आर करता हूं, देख लीजिए आप, तो डी आई आर जैसे ही मैं करूंगा तो यहां पे एक फोल्डर यहां पे है, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूं, या अंदर नहीं जाऊंगा मैं, सी एल एस मारता हूं ऐसे, और फिर मैं जो पिछला कमांड दिया था ना कॉपी एक्स वाला, वही कमांड फिर से मैं एंटर करूंगा, कॉपी एक्स, ये है फोल्डर का नाम, ठीक, यहां पे ई लिख के यहां पे एसीएम लिखा हूं, एंटर मारूंगा, डी दबा के कर दिया, ये देख लीजिए जी, डी मैं जैसे ही दबाया वैसे ही कुछ फाइल, ठीक, कॉपी हो गया उस फोल्डर में, ठीक, इसके अंदर गया, इसके अंदर आया, फिर ये सारे फाइल हैं, ठीक, ये सारे फाइल जो है कॉपी हो चुके हैं, कहां बता रहा हूं, कहां, इसके अंदर, इसके अंदर, यहां पे कॉपी हो गया है ना। अब सवाल यह है कि जी कह रहे थे कि फोल्डर भी कॉपी होगा, फोल्डर तो कॉपी हुआ ही नहीं, फोल्डर भी कॉपी कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हम मेहनत से डरते नहीं हैं, हम लोग करेंगे मेहनत, ठीक। तो आते हैं यहां पे, ठीक है, अब क्या करूंगा, ये कुछ स्विचेस हैं, ठीक है, क्या करूंगा मैं, एक दो बता देता हूं, दो ठो बता देता हूं, बाकी ये एरर के लिए है, मैं एरर कहां से लाऊंगा अब, ठीक है, ये बोल रहा है एज्यूम कर लो डेस्टिनेशन में अगर है तो भी, ठीक है, तो इन दोनों को मैं नहीं बता रहा हूं, इन दोनों को मैं बता दे रहा हूं अभी, ठीक है। अगर ई लिखेंगे तो क्या होगा, कॉपी सब फोल्डर, मतलब सब फोल्डर को भी कॉपी करेगा, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, डिलीट कर दिया, ठीक, इस फोल्डर के अंदर अब कोई फाइल नहीं है, ठीक, और इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा, फिर इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, तो इसके अंदर तीन ठो फोल्डर है और बाकी फाइल है, ठीक,
बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, सारे फाइल सिर्फ कॉपी हुए हैं, ये जो फाइल है राइट। अब मैं चाहता हूं कि फोल्डर भी कॉपी हो टोटल, ऐसे आऊंगा ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, स्पेस दबाऊंगा और ये स्लैश दे करके ई लिख देता हूं, शायद हो जाए, किस्मत हमारा काम करे, एंटर मारा ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं जी क्या हुआ है ठीक है। इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये देखिए अब की बार फोल्डर को भी कॉपी किया है ना, मतलब फोल्डर बनाया है उसके अंदर भी डेटा है ठीक है, तो इस तरह से सब फोल्डर भी कॉपी हो जाता है ठीक है। आप लोग कर लोगे, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, मैं इसका क्या करूं, इसको कंट्रोल एक्स करता हूं और यहां पे छोड़ दो, नहीं करता हूं मैं, फिर से एक बार बता दूं, वाह अभी सब दमदार डायलॉग मार रहे हैं। CLS करता हूं मैं ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है, कोई ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूं अब की बार ठीक। चलिए CD डबल डॉट बैक आ गया, DIR एंटर किया ठीक है, तो दिख गया मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वाला ठीक है, इसको कॉपी कर दो। चलिए X कॉपी, स्पेस मैंने दिया ठीक है, फिर क्या करूंगा, MI करके टैब मारूंगा तो पूरा आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस ये वाला ठीक, ध्यान से देखना, स्पेस दबाया, मैं कहां कॉपी करना चाह रहा हूं, ई ड्राइव के अंदर, SEM नाम के फोल्डर के अंदर, तो फोल्डर के अंदर कॉपी करूं या बिना फोल्डर के बाहर ही कॉपी कर दूं, फोल्डर के अंदर कॉपी करूं या बाहर, बाहर कर दूं, बाहर का मतलब है कि यहां पे कॉपी कर दूं या यहां पे, यहीं पे कर दूं ठीक है। अब इसके बाद इस मैंने कॉपी एक्स कमांड किया, नहीं एक्स कॉपी किया, फिर ये फोल्डर का नाम लिखा, फिर स्पेस किया, एच लिखा, कॉलन दिया, ए लिखा, फिर कर दिया SEM ठीक। अगर फोल्डर के मुझे एच ड्राइव में ही कॉपी करना होता तो मैं सिर्फ इतना लिखता ठीक है, लेकिन मुझे SEM फोल्डर के अंदर कॉपी करना है ठीक, तो क्या करूंगा, SEM लिखा, स्पेस दबाया ठीक। अभी अगर मैं एंटर करता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर जितना फोल्डर है ना वो फोल्डर नहीं कॉपी होगा, बस बाहर वाला सिर्फ दो चार ठो ये फाइलें कॉपी हो जाएगा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फोल्डर भी कॉपी हो, तो क्या करूंगा, स्लैश दबाऊंगा और ई दबा दूंगा ठीक। एंटर किया, पूछ रहा है कि जो टारगेट है मतलब SEM वो डायरेक्टरी है कि फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है कि फाइल है, मैं कहता हूं कि जी ये डायरेक्टरी है, ई किया, कॉपी होना शुरू हो गया ठीक है, ये कॉपी हो रहा है धीरे धीरे ठीक है, थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बड़ा है ये ठीक है। कम इन, गुड मॉर्निंग मैम, और सुनाइए क्या चल रहा है, मैं बंद कर लूँ इसको पहले, देखिए कॉपी हो गया राइट ठीक है, कर लेता हूँ इसको, मैं मैन्युअली क्या करता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ ठीक है, और फिर क्या करूंगा यहां पे आऊंगा ठीक है, यहां पे कंट्रोल वी करूंगा ठीक। अब मैं मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो आप देखिए इतना समय ले रहा है कॉपी पेस्ट होने में ठीक, ये देख लीजिए इतना समय ये लिया और ये पेस्ट हो गया यहां पे, मैं डिलीट कर दिया उसको ठीक है। उसके बाद ठीक है ये कमांड देता हूं ई के अंदर, SEM नाम के फोल्डर में मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं ठीक है, एंटर मारा, ओ यस ऑल टू ऑल,
कंट्रोल सी से हो जा भाई टू टर्मिनेट, जरूरत नहीं है तेरा। मारता हूँ इसको खत्म। ठीक, ये देखिए CLS एंटर, एंटर किया। ठीक है, एंटर अब करूँगा। मेरा ड्राइव किधर है? एच के अंदर ये हो रहा है ना, एच के अंदर मुझे नहीं करना है, मुझे किसके अंदर करना है, ई के अंदर। ठीक है, ई लिखा। ठीक है, अब करूंगा मैं एंटर। ठीक, डी दबा दूंगा तो डायरेक्टरी बनेगा। ठीक है, डॉस से मैं कॉपी कर रहा हूं तो इतना समय लग रहा है। ठीक है, डॉस से कॉपी करने पे इतना समय लग रहा है। ठीक, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक, कि किस में, ये देखिए इसमें कॉपी एच के अंदर कॉपी कर दिया था। ठीक है, ये देख लीजिए कॉपी हो गया है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से जो है कॉपी हो जाएगा। राइट, कॉपी एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया नहीं आया? अरे कॉपी एक्स कह रहा हूं, एक्स कॉपी। ठीक, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा, कॉपी कर देगा पूरा फोल्डर को भी। ठीक है, ये जो एच है ना, ये जो हाइड करके आप रखोगे या सिस्टम फाइल होगा उनको भी कॉपी कर देगा। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक, जैसे मैंने ई को किया वैसे ही आप एच को ट्राई करना। ठीक, ये आपके लिए टास्क है, नहीं होगा तो बताना। ठीक, बाकी ये दो को छोड़ दो, कोई वो नहीं है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है जी? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो क्या मैं और कुछ भूल रहा हूँ? मुझे और कुछ कमांड याद नहीं आ रहा है जो अभी की, जो मैं बताने लायक हूँ मैं बता दूँ। ठीक है, जब याद होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो फॉर्मेट हो ही रहा है, अभी फॉर्मेट निकाल दूंगा पेन ड्राइव तो फिर से ये करप्ट होगा। छोड़ दो, पेन ड्राइव नहीं निकालता हूं मैं, होने दो धीरे धीरे। ठीक है, क्लोज कर दूं। तो डॉस में किसी को कोई समस्या है और तो बताओ, किसी को कोई समस्या है? समस्या किसी को कुछ है नहीं है? इन सारे कमांड में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप बताओ, और नहीं दिक्कत है तो मैं आगे चलूं। क्यों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? किसी को दिक्कत होगा नहीं होगा? कुछ बोलोगे तब तो मैं समझूंगा। होगा दिक्कत नहीं होगा? आपको मैं पहले भी बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पिंगल पढ़ के क्या हुआ जब तीन चीज से हीन, बोली चाली बैठ का लीन विधाता छीन। ये मुझे मेरे दादाजी ने 10 साल पहले सिखाया था और मैं अब आपको बता रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सीखना ही नहीं चाहते। आप कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये सब चीजें? अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है, और नहीं तो क्या चीजें नहीं समझ में आया वो मुझे आप बता दो। ठीक है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है तो बताइए। हाँ हाँ, अच्छा, एक साथ 100 फोल्डर कैसे बनेगा? मैं ट्राई करता हूं कि बन जाए। ठीक है, सौ फोल्डर एक साथ, चलो जी। बन जा भाई 100 फोल्डर, हमारा जरूरत है, अब डिमांड है 100 फोल्डर का, तो क्या करें, बनाना मजबूरी है।
बंद हो जाइए, विंडोज आर दबाना चाहिए, तो मैं विंडोज ई क्यों दबा रहा हूँ, विन वर्ड ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस तरह से मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ये टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हुआ है, ठीक है। मैं इसको डिलीट मारता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर इसको, ठीक है, तब मेरे को वहाँ पे दिखाई देगा बॉर्डर, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है, डिजाइन लेआउट। आप लोग को मैं बताया था ना कन्वर्ट टू रूट, अच्छा मिल गया मुझे, ठीक है। पैराग्राफ टैब कॉमा अदर, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं खाली एक तो यहाँ पे स्पेस दे दूँ और कर दूँ ओके, तो ये बन जाए, ठीक, इस तरह से मैंने बना लिया जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा MD, ठीक, DM क्यों लिख रहा हूँ, MD कमांड से ही बनता है ना फोल्डर। चलिए ऐसे मैं इसको कर लूंगा कॉपी, अरे मत गिर जा, मेरा नुकसान हो जाएगा। और मैं ये नोटपैड जो है, इस नोटपैड में करता हूँ न्यू, ठीक है, सेव करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक, इसको कर दूंगा मैं सेव, ठीक, यहाँ पे कर दूंगा CREAT create.bat, ठीक, कर दूंगा इसको सेव, और ऐसे किया, ठीक है, ये आ गया, ठीक। 100 फोल्डर बनाने जा रहा हूँ मैं, आप देखिएगा बड़ा ध्यान से। इसको मैं डॉस के जरिए रन कर दूं या डबल क्लिक मार दूं तो भी बन जाएगा, ये डॉस से करूं, ठीक है। राइट क्लिक, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सी आर दबा के टैब मार दिया, ये आ गया, एंटर जैसे ही मारा बन गया, ठीक, बन गया ना। मैं अप एरो दबाया, ठीक है, ये फिर से आ गया। मैं डाउन एरो फिर इस पे क्लिक करूंगा, सारा फोल्डर फिर से बनाता, लेकिन बोल दिया ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक, ठीक है। अब इन सारे फोल्डर को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, अभी एक एक फोल्डर डिलीट करूंगा तो मेरे को तो दिन बीत जाएगा। इसी को मैं करूंगा एडिट, यहाँ पे MD के जगह पे RD कर दूंगा, सेव कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसी पे डबल क्लिक कर दिया, एक झटके में डिलीट हो गया सारा फोल्डर, ठीक। तो आपने देखा मैंने एक्सेल के थ्रू इसको पहले कन्वर्ट में पेस्ट किया, फिर वर्ड से ले लाया, यहाँ पे एक्सेल से लाया वर्ड में, वर्ड से कन्वर्ट किया स्पेस में, और ऐसे करके बना लिया मैं इसको ऐसा कमांड के रूप में, ठीक। मैं एक्सेल में मैं जानबूझ करके इसलिए चला गया ताकि आपके पास जो स्टूडेंट का लिस्ट होगा वो एक्सेल में शायद होगा, तो आप कन्वर्ट कर लोगे इस तरह से, एक्सेल का टेबल पेस्ट कर दोगे वर्ड में, और वर्ड का टेबल जो है उसको इस पे कन्वर्ट कर दोगे, सेपरेट कर दोगे स्पेस से, ठीक। तो इस तरह से आप बना लोगे ना, अब तो डाउट खत्म, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है, है। मैं एक चीज और भूल रहा था बताना, अभी मेरे को तुरंत याद आ गया, सट DOWN स्पेस मारा, नहीं SHU सट DOWN, ठीक, सट डाउन लिख के एंटर मारा, ये देखिए इतना चीजें खुल के आ गया, ठीक। मैं जाऊंगा ऊपर, ये देखिए, अब शटडाउन कमांड से क्या होता है कि शटडाउन कमांड से कंप्यूटर बंद होता है, ठीक है। तो शटडाउन टाइप ऑप्शन, इसमें सारा तो मैं नहीं बता रहा हूं, एक दो बता दे रहा हूं आपको। शटडाउन स्लैश अगर ए देते हो आप तो क्या करेगा, अबोर्ट ए सिस्टम शटडाउन, ठीक है, सिस्टम को शटडाउन होने से रोकेगा, ठीक। शटडाउन लिख के स्लैश जी अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, शटडाउन एंड रिस्टार्ट कंप्यूटर आफ्टर द सिस्टम इज
रिबूटेड रिस्टार्ट एनी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जो भी है, ठीक है। तो ये कमांड कब काम होगा, जब आप रिस्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये कमांड चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है शट डाउन, शट डाउन के बाद स्लैश देके अगर मैं आर लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, शट डाउन एंड रिस्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देगा। कब, जब शट डाउन स्लैश आर से मैं आर लिखूंगा तो और एंटर मारूंगा तो, फिर शट डाउन स्लैश एस लिखूंगा तो कंप्यूटर को सीधा कर देगा क्या, शट डाउन, ठीक। चला के दिखा दूं क्या, चला के दिखा दूंगा तो मेरा कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, दिखा देता हूं मैं आपको चला के, ठीक है। CLS, और एक मिनट पहले देख लो कि शट डाउन स्लैश एस दबाऊंगा तब जो है शट डाउन होगा कंप्यूटर, ठीक है, और शट डाउन एस स्लैश ए दबाऊंगा तो कैंसल कर देगा शट डाउन करना, राइट, याद रखना बता दे रहा हूं, नहीं तो हमारा कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा। यस एच यू टी डब्ल्यू ओ, क्या मिसपेलिंग भूल गया मैं, डी ओ डब्ल्यू एन, शट डाउन स्लैश एस था ना वहां पे, एसी था ना, किया, अब बोल रहा है कि बंद कर दूंगा, अबे हटना मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अबोर्ट मारा, चलिए लॉग ऑफ इज कैंसल, ठीक। अगर मैं स्लैश ए न दिया होता तो मेरा कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता, ठीक है, ठीक। और स्लैश यहां पे पी करके अगर अब एंटर में दबाऊंगा तो बिना वार्निंग दिए मेरा कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है, ये क्लास खत्म होगा, ठीक है। उस समय जब मैं बंद करने लगूंगा तब इस कमांड का इस्तेमाल करके बंद करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी अगर मैं एंटर मार दूंगा तो वार्निंग भी नहीं देगा और बंद कर देगा, ठीक है। स्लैश एस जो है वो वार्निंग देता है, तो जिसको डॉस का समझ है वो सीधा शट डाउन स्लैश ए करके शट डाउन कर देगा वो, ठीक है। इसका भी चाहो तो आप बैच फाइल बना के डबल क्लिक करके बंद कर सकते हो, ठीक है। तो शट डाउन इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, मुझ में अब क्षमता नहीं है, ठीक है। गलती से मेरा बंद हो गया कंप्यूटर तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे, ठीक है। बाकी भी यह है, शट डाउन स्लैश पी पे करूंगा ना तो टर्न ऑफ कर देगा लोकल कंप्यूटर विद इन ऑन टाइम, अदर वार्निंग कैन बी यूज विथ डी स्लैश एंड एफ, ठीक है। एंड टाइम देखो बोल रहा है यहाँ पे कि ऑन टाइम आउट तुरंत बंद कर दूंगा मैं, वार्निंग भी नहीं दूंगा, ठीक है। शट डाउन स्लैश एच अगर आप करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर हाइबरनेट में जाएगा आपका, हाइबरनेट होता है ना, एक विंडोज पढ़ाऊंगा तो हाइबरनेट बता दूंगा, ठीक, ये हाइबरनेट है तो हाइबरनेट में डाल देगा तुरंत एच करेंगे तो, ठीक। बाकी कुछ बताने लायक है क्या, शट डाउन को ही बताना मैं भूल रहा था, जो अभी अचानक से याद आ गया तो मैं आपको बता दिया, बाकी आप लोग प्रैक्टिकल करना, ठीक हो गया। और कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कोई दिक्कत किसी को, इस फाइल को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत, ये प्रोजेक्टर ऐसे कैसे हो गया, मजा नहीं आया, हाँ इसका तार ना नीचे चला गया इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं होगा ये, और किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, चुपचाप का मतलब मैं समझ लेता हूं कि दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है, बंद कर दूं अब, चलिए जी मैं बंद कर देता हूं अब, ठीक।